नमस्कार, मैं दिनेश कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज देवली, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के पाठ्यक्रम अनुसार बीएससी पार्ट थर्ड मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेज शुरू करने जा रहे हैं। ये सारी जो ऑनलाइन क्लासेज है वो महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल सीसीई राज जीसी देवली क्लास पर उपलब्ध है, और मैथमेटिक्स के अलावा सभी विषयों के ई लेक्चर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वो सभी इस यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और वीडियोस अपने ऑनलाइन क्लासेस लें। तो हम यहाँ पे बीएससी पार्ट थर्ड में आज हम पेपर फर्स्ट शुरू करने जा रहे हैं, रियल एनालिसिस वास्तविक विश्लेषण। तो ये सब हम पढ़े, उससे पहले एक बार हम सिलेबस समझ लेते हैं कि हम थर्ड ईयर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये इस तरह से हमारा पैटर्न होगा एग्जाम का, तीन पेपर होंगे, रियल एनालिसिस वास्तविक विश्लेषण, दूसरा पेपर है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सम्मिश्र विश्लेषण, और जो थर्ड पेपर है वो आपका ऑप्शनल है। इसमें से ये हमारे पास है मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, थ्योरी ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड सी प्रोग्रामिंग। ये तीनों में से कोई एक हमें चूज करना होता है, और आपके इसके साथ जो प्रैक्टिकल भी है यहाँ पे इसके साथ थर्ड पेपर में, तो ये हम देखेंगे यहाँ पे। ये जो रियल एनालिसिस तीनों पेपर होंगे हमारे 75 मार्क्स के होंगे तीनों, और हमारे जो टोटल मार्क्स हो जाएंगे 225, और आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स होंगे वो 81 होंगे। हर पेपर का जो एग्जाम पैटर्न है वो इस तरह से है कि तीनों पेपर वो 3 यूनिट्स में डिवाइड होंगे, और एग्जाम का पेपर जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, पार्ट ए, बी और सी। पार्ट ए में एग्जाम में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 1.5 नंबर के, 15 नंबर ये हो गए, और पार्ट बी में 3-3 नंबर के 5 प्रश्न होंगे 15 नंबर के, और पार्ट सी में 15-15 नंबर के 3 प्रश्न होंगे 45 नंबर के, और पार्ट सी में हर एक क्वेश्चन हर यूनिट से होगा, और उसमें भी 2 पार्ट होंगे एक क्वेश्चन में। तो इस तरह से 45 ये हो गए, तो हमारे पास टोटल मार्क्स हो जाते हैं 75। तो ये हमारा एग्जाम पेपर का पैटर्न होगा। पहला जो पेपर है वो है रियल एनालिसिस, उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में हम शुरू में पढ़ेंगे रियल नंबर सिस्टम एज ए कंप्लीट ऑर्डर फील्ड, वास्तविक संख्या सिद्धांत। ये इसका जो बेसिक्स है वो रियल नंबर्स क्या होते हैं। अब तक हमने जिस तरह से रियल नंबर्स को पढ़ा है उसके एक अलग अप्रोच हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो पहले सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर इस पॉइंट सेट थ्योरी हम पढ़ेंगे, इसमें भी हम काफी सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे नए होंगे आपके लिए, तो इनको हमें पढ़ना है। इसके बाद हम लिमिट्स कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ पे पढ़ेंगे, और फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल दोनों के लिए यहाँ पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट में हम डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करेंगे, जिसमें मीन वैल्यू थ्योरम्स होगी, डार्बक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है, टेलर सीरीज है, फंक्शन ऑफ 4 फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, सीक्वेंस है और सीरीज है, ये सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट जो है वो है इनफाइनाइट सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स, कन्वर्जेंस यहाँ पे पढ़ेंगे, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस हम पढ़ेंगे, फूरियर सीरीज पढ़ेंगे, और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ फंक्शंस हम पढ़ेंगे। तो ये सब हमारे पास थर्ड यूनिट में होगा। तो हम यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे फर्स्ट यूनिट में रियल नंबर सिस्टम। रियल नंबर सिस्टम हम पढ़े कि वास्तविक संख्या सिद्धांत क्या है, उससे पहले एक बार हम नंबर सिस्टम डिस्कस कर लेते हैं। इस संख्या सिद्धांत क्या क्या है, जो हमने पढ़ रखे हैं अब तक आप सभी जानते हैं ये, इसको हम ब्रीफली एक बार देख लेते हैं। कि हमारा जो सबसे छोटा नंबर सिस्टम होता है वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय 1, 2, 3। इसमें यदि हम 0 इंक्लूड कर दें तो ये आपका बन जाता है सेट ऑफ होल नंबर्स, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, और यदि इसमें नेगेटिव इंटीजर्स भी हमें यदि इंक्लूड कर देते हैं तो ये बन जाता है इंटीजर्स पूर्णांक। और कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो नॉन जीरो होगा, इस तरह के नंबर से कहलाएंगे रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्या। और कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जिनको हम रेशियो ऑफ टू
इंटीजर्स दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिख सकते, ऐसे नंबर्स कहलाएंगे इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं। तो आपने देखा यहाँ पे कि हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है, होल नंबर इंटीजर्स है, इंटीजर रेशनल नंबर्स है। तो हमारे पास एक सेट ये हो गया है रेशनल नंबर्स का, एक कुछ ऐसे नंबर्स जो रेशनल नहीं है उनको हम कहेंगे इरेशनल। यहाँ पर रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर दोनों को मिला के हमारा जो सिस्टम बनता है नंबर सिस्टम, वो कहलाएगा रियल नंबर सिस्टम या रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या दोनों मिलकर वास्तविक संख्या का निर्माण करती है। अभी देखिए आपने यहाँ पे ये रेशनल नंबर्स होंगे जिनको हम पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप जानते हैं यहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, एंड कुछ ऐसे नंबर्स जैसे स्क्वायर रूट ऑफ टू। यहाँ पे ये जैसे नंबर है यहाँ पे हम कभी भी हमें इसको पी अपन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। पाई है, जैसे पाई है यहाँ पे रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ एनी आर्बिट्ररी सर्कल, किसी भी वृत्त के परिधि और व्यास का जो अनुपात है, वो कभी भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिसको पी बटा क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरह के नंबर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे रेशनल नंबर्स। ई है, ये बी एक सीरीज है। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स मेक अप द सेट ऑफ रियल नंबर्स, दोनों संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्या का निर्माण करती है। हम यहाँ पर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में भी यदि हम समझें कि वास्तविक संख्याओं को किस तरह से, क्योंकि हम इसको काफी यूज करते हैं दशमलव प्रणाली में, तो कुछ ऐसे संख्याएं होती है जो टर्मिनेट हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल जिसमें दशमलव के बाद कोई संख्या नहीं होती है, जो भी है उससे पहले है टर्मिनेटिंग है यहाँ पे, जैसे कुछ ऐसे संख्याएं जैसे। और यदि दशमलव के बाद में भी है संख्याएं हैं तो वो क्या होंगी, कुछ एक निश्चित डिजिट से ही उसमें होंगी, मतलब उनका अंत हो जाएगा। तो इस तरह के सारे नंबर्स क्या होते हैं रेशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्याएं होती है, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स है। कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग है, यदि हम उसको डेसिमल फॉर्म में लिखें तो जैसे कि इस तरह से नंबर आते ही जाएंगे, जैसे 22/7 ये तो रेशनल नंबर है। एम पाई की बात करें तो पाई है जहां पर जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, जैसे 10/3 आप डिवाइड करिए इसको किस तरह से होगा, कभी खत्म ही होने का। सारे क्या है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, यहाँ पे आते ही जा रहे हैं। यहाँ पे इस तरह के नंबर्स कौन से कहलाएंगे, इनमें भी दो कैटेगरी होगी। कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जहां पर डेसिमल के बाद जो नंबर्स रिपीट होते हैं और कुछ में नहीं होते हैं। तो जैसे ये है यहाँ पे, ये किस तरह का है नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है, यहाँ पे रेकरिंग नंबर है यहाँ पे। तो इस तरह के नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये आपने स्कूल में पढ़ा हुआ। तो इस तरह के नंबर्स क्या हो जाएंगे रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। और कुछ ऐसे नंबर्स जो नॉन रिपीटिंग है, रिपीट नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएंगे इरेशनल नंबर्स। तो नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। अब रियल नंबर्स को हम पढ़े, अब तक हमने नंबर सिस्टम के बेसिस पे हमने जानने की कोशिश की है। तो हमारे पास यहाँ पे तीन अप्रोच हम यहाँ पे पढ़ेंगे इसके नोटेशन तक पहुंचने के लिए। रियल नंबर्स क्या होते हैं हम तीन, जिसमें पहला होगा जेनेटिक मेथड, एक्जोमेटिक मेथड और डेडिकांट कट मेथड, एक एक करके हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला है जेनेटिक मेथड कि हम रियल नंबर्स क्या होते हैं इसको किस तरह से समझे जाए। पहला जो अभी बात की हमने कि जो नंबर सिस्टम है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय, सबसे इस तरह से ये 1 2 3 यहाँ पर देखा जाए तो जब हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस पढ़ी, यहाँ पर ये एलिमेंट्री ऑपरेशन एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है। जैसे कोई भी दो यदि नेचुरल नंबर लेते हैं ए और बी, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि ए प्लस बी एडिशन ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज आल्सो अ नेचुरल नंबर। ए प्लस बी भी क्या होगा, नेचुरल नंबर ही होगा, प्राकृतिक संख्या होगी। तो लेकिन जैसे हमने ऑपरेशन यहाँ पे ए मल्टीप्लीकेशन बी भी एक नेचुरल नंबर होगा, तो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन दोनों ऑपरेशंस यदि जब तक हम जानते थे तो हमें कोई अलग से नंबर सिस्टम एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जैसे हमने सब्ट्रैक्शन हमने सीखा, तो हमने देखा कि एक जैसे कोई नेचुरल नंबर है
और उसको उसी ही नेचुरल नंबर के साथ ऑपरेट किया जाए सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के, तो जो भी नंबर है वो हमारे नंबर सिस्टम में नहीं था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में नहीं है। तो इस तरह के नंबर को क्या कहा जाए, इस तरह के नंबर को हमने डिफाइन किया है जीरो। तो हमें एक नंबर और हमें मिला है, उसको हमने इसी नंबर सिस्टम में इंक्लूड कर दिया है, तो हमारा नंबर सिस्टम बन गया है सेट ऑफ ऑल नंबर्स, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। नेक्स्ट ये हम बात करें, अभी जैसे कोई भी हम दो पूर्ण संख्याएं ले लें ऑल नंबर्स ए और बी, और यहाँ पे यदि बी ग्रेटर देन है ए से, तो ए माइनस बी यदि हम करते हैं तो हमें एक ऐसा नंबर मिलता है जो होल नंबर नहीं है, हमारे जो सिस्टम ऑफ होल नंबर था पूर्ण संख्या उनमें नहीं मिला। इस तरह के नंबर्स को हमने कहा नेगेटिव नंबर्स। तो हमें हमारे नंबर सिस्टम को और ज्यादा एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ी है। तो सेट ऑफ होल नंबर, इस तरह के नंबर्स को जब इंक्लूड करने के बाद में हमारा नंबर सिस्टम ने इसको नाम दिया है सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का समुच्चय, ये हमने उसमें और इंक्लूड कर दिए नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स। अब जो हमारे पास नंबर सिस्टम बन चुका है वह है सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का समुच्चय। तो हमारे पास हम पहुंच गए हैं सेट ऑफ इंटीजर्स तक। उसके बाद में भी जब हमने सब्ट्रैक्शन हो गया, हमने डिवीजन ऑपरेशन सीखा, तो डिवीजन ऑपरेशन जैसे हमने दो इंटीजर्स पर ये ऑपरेट किया, ए और बी दो इंटीजर हैं, तो हमने देखा कि ए और बी को यदि ए डिवाइड बाय बी किया जाए, बी नॉट इक्वल टू जीरो यदि हम ले, तो ये जो नंबर आता है वो हमारे नंबर सिस्टम में अवेलेबल नहीं है, ए अपॉन बी। तो इस तरह के नंबर्स को भी हमें इंक्लूड करने की जरूरत पड़ी, हमारे नंबर सिस्टम को एक्सटेंड करना पड़ा हमें। तो इस तरह से फिर हमने देखा कि इस तरह के नंबर्स को हमने क्या कह दिया, रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। तो हमारा नंबर सिस्टम इस तरह के नंबर्स को भी हमने इंक्लूड कर लिया। तो अब हम पहुंच गए हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर्स पर, परिमेय संख्याओं के समुच्चय पर। इसके बाद भी कुछ ऐसे बहुत सारे नंबर्स रह जाते हैं जो इस फॉर्म में नहीं लिखे जा रहे थे, ए अपॉन बी के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यदि इसका सोल्यूशन निकाला जाए, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 5, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7, देखिए तो अभी इसके एक्स स्क्वायर, या ऐसा कहें कि ऐसा कोई एक्स की ऐसी कोई वैल्यू हमें नहीं मिलेगी जिसका स्क्वायर करने पर 2 आता हो, जब तक कि हम रेशनल नंबर जानते थे। तो हमारे सामने नए नंबर सिस्टम, नए नंबर्स आए इसी तरह से, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स, इनको भी हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते अपॉन बी के फॉर्म में। इस तरह के नंबर्स, जैसे अभी हमने बात की कि किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास के लिए अनुपात लें, तो वो भी नहीं है। इसी तरह से यदि हम एक पाइथागोरस ट्राइंगल ले लें, ये इसका यदि ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो इसका जो ये लंब और ये आधार है, तो इसका जो हाइपोटेनस का कर्ण, जितनी भी इसकी लंबाई होगी वो हमारे नंबर सिस्टम में अवेलेबल नहीं थी रेशनल नंबर में। तो अभी देखा हमने कि ऐसे बहुत सारे ऐसे नंबर्स और भी रह गए हैं जो रेशनल नंबर की तरह से नहीं लिखे जा सकते हैं। तो हमने जितने भी इस तरह के नंबर्स बच गए उनको हमने कैटेगरी में डाल दिया, उनको नाम दे दिया सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, मतलब जो नहीं है परिमेय संख्या नहीं है, उनको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स। तो दोनों नंबर्स को यदि मिला दिया जाए यहाँ पे, तो यूनियन किया जाए रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को, दोनों एक साथ मिलकर रियल नंबर सिस्टम का निर्माण करते हैं, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर नोन एज द सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स एंड डिनोटेड बाय आर, हम इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा ये नोटेशन होगा। तो ये एक मेथड था रियल नंबर्स को समझने का, और ये हमारा मेथड किस तरह का रहा, जेनेटिक मेथड, मतलब हमने शुरुआत की यहाँ पे नेचुरल नंबर से, और हम हमारे नंबर सिस्टम को एक्सटेंड करते करते हम रियल नंबर्स पर पहुंचे। तो ये एक जेनेटिक मेथड था। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सियोमेटिक मेथड, अलग तरह से, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनको देखेंगे यहाँ पे। धन्यवाद।